गुरु दर्शन दे गए थे, कल रात सोते सोते गुरु दर्शन दे गए थे, गुरु दर्शन दे गए थे, कल रात सोते सोते, कल रात सोते सोते ऐसी बीती रात मेरी, ऐसी बीती रात मेरी, गुरु से बात होते होते, गुरु से बात होते होते गुरु दर्शन दे गए थे, गुरु दर्शन दे गए थे, कल रात सोते सोते, बोलो महावीर भगवान की। आवाज पकड़ना है, गला पकड़ना है, गला देखो समझ लो ना। हेलो महानुभाव, चलेंगे हम सभी लोग आज का टॉपिक समझेंगे अपन, कर्म सिद्धांत। समझेंगे समझेंगे ना कर्म सिद्धांत को, उदाहरण के माध्यम से सरल भाषा में कि कर्म क्या है ना। तब हम देखें आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कर्म आठ होते हैं। कितने कर्म होते हैं? आठ। कौन कौन से होते कर्म? आठ कर्मों में एक एक कर्म का आराम आराम से नाम बताओ। ज्ञानावरणी, दूसरा दर्शनावरणी, तीसरा मोहिनी, चौथा अंतराय, पांचवा वेदनी, छठवा वेदनी के ही भेद हैं वो तो साता साता है ना। वेदनी हो गया नाम अंतर ना, और आयु, आयु नाम और गोत्र, ये आठ कर्म हो गए। अब ये आठ कर्म हैं, ये आठ भाई हैं, ये क्या है समझने के लिए ये बता रहा हूं, नहीं तो पुस्तक में कहां लिखा भाई। ये आठ क्या है? भाई हैं, चाचा ताऊ के लड़के मिला के सब पांच हो गए, और पांच इनके इनके बच्चे भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, और बच्चे हैं तो बच्चे अपन देखेंगे 148 टोटल कितने हो गए, आठ ये मिला के और 140 बच्चे, पूरा कुनबा हो गया, कुनबा ना कर्मों का कितना हो गया 148। अब अगर इनके सामने कोई व्यक्ति फंस जाए तो इनकी इनके अंदर इतनी एकता है कि ये 148 चपट जाते हैं एक जीप पर। कितने चपट जाते हैं? हाँ, कभी आपने अगर कहीं कहीं पर जो 12 भावनाएं हैं उनके चित्र बने हुए हैं, और एक चित्र में आपने अगर देखा हो कि एक जीव बीच में खड़ा हुआ है और आठ तरफ से आठ व्यक्ति धनुष बाण निकाल करके उसको मार रहे हैं, है ना, तो आठ ही दिखाए, 140 की जगह नहीं होगी, तो कितने चपट जाते एक साथ? 140। अब ये जो कर्म है ये कर्म खाली जैनों के लिए नहीं है, ध्यान रखना, हाँ ये बात ध्यान रखना, ये कर्म सिद्धांत जो है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ये 48 कर्म, 148 कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। अब किसी को नहीं छोड़ते का मतलब क्या हुआ भाई? क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ने का मतलब ये कि ये बिल्कुल अलर्ट हैं, जैसे ब्लैक कमांडो होता ना, ब्लैक कमांडो देश के, वो बिल्कुल अगर उनकी ड्यूटी पे है तो ड्यूटी पे वो उनकी गन है ना टंगी नहीं रहती, उनकी गन क्या होती है हमेशा हाथ में रहती है और उंगली भी बिल्कुल ट्रिगर के पास, क्योंकि ऐसा नहीं क्योंकि उतारे हैं फिर टांगेंगे फिर पोजीशन लेंगे फिर वो उंगली फंसाएंगे, वो बिल्कुल तैयार रहती है, कैसी बिल्कुल पोजीशन तैयार है, कहीं मौका मिला बस दबाना है ना। ये तो ऐसे ही ब्लैक कमांडो की तरह मुस्तैदी के साथ 148 ये लोग जो मिलके गैंग है पूरा इनका, ये बिल्कुल तैयार रहते, कोई मिलाने के चपट जाओ,
और इनसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति कोई दूसरा नहीं। ये किसी को बेवजह सताते भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। ये किसी को दुनिया में लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बेवजह सता सकते हैं। बीवी पति को सता सकती है, पति बीवी को सता सकता है, बच्चे माँ बाप को सता सकते हैं, पर ये जो कर्म है 148 ये कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करते। ये बात पक्की है। और हैं इतने ईमानदार कि ये अगर तुम हल्का सा भी, जो तुम्हारे पास तीन चीजें हैं मन वचन काय ना, तो ये आठ कर्म कैमरे के भरोसे नहीं रहते। हम लोग तो कैमरे के भरोसे रहते हैं कि कैमरे में देखेंगे, फिर देखेंगे क्या एक्शन है, पर ये क्या करते हैं कि कैमरे का कोई काम नहीं, ये खुद ही मुस्तैदी से लगे रहते हैं, इनने देखा नहीं और तुरंत क्या करते हैं, चपट जाते हैं, एक साथ चपट जाएंगे ना। तो जैसे ही अब क्या हुआ, इतने ईमानदार भी हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब एक जीव है, अब एक जीव है, आठ कर्म है, अब आठ कर्म है, तब ये क्या करेंगे, ये बिना बस के तो बोलेंगे नहीं। और आपके पास कर्म बांधने के तीन तरीके हैं, तीन द्वार, तीन द्वारों से हमारी आत्मा में कर्म आने के तीन रास्ते कौन कौन से हैं। एक तो मन है, एक वचन है, एक काय है ना। या तो मन में कुछ सोचोगे तो ये मन की मन पर ज्ञान नहीं है इनके पास, कर्मों के पास, मगर इनके पास मन में आप क्या सोच रहे हो ये तुरंत पकड़ लेते हैं, मन की बात भी पकड़ लेते हैं। और जहां अगर आपने मन में भी सोचा कुछ तो चपट जाते हैं, चपटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे ये लोग है ना। तो मन से अगर कोई चीज सोची है, अच्छी सोची है तो पुनः रूप में चपट जाएंगे, और बुरी चीज सोची है तो बुरे रूप में चपट जाएंगे। और अगर मान लो आपने वचनों से कुछ कह दिया, अब आपके वचनों में कहां ईमानदारी है कहां बेईमानी है तो बोलने वाला समझे। तो कई बार अपन शब्द देखते हैं, शब्द शब्द दो तरीके से कहने के दो तरीके होते हैं। कोई कोई व्यक्ति मान लो अपन हंसते दो प्रकार से, एक तो खुशी में हंसते हैं और एक उपहास में हंसते हैं, हंसते दोनों में ही है ना। कोई व्यक्ति मान लो अपन ने कोई प्रश्न पूछा, बताओ ये प्रश्न का क्या उत्तर है, अब आपको आता नहीं है, आपने हाथ नहीं उठाया ना, आप खड़े हुए, कोई ने हाथ नहीं उठाया, फिर भी किसी एक व्यक्ति ने क्या किया, चलो कोशिश की कि मैं बताता हूं, और उन्होंने अपना हाथ ऊपर कर दिया। अब सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि ओ कौन उठाया हाथ, अच्छा जिन्होंने उठाया, चलो ठीक है, अब सब तैयार हैं। और जैसे वो खड़ा हुआ व्यक्ति, अब उसको मालूम नहीं था, उसने अपने मन से कोशिश की और क्या हुआ, बताया, और महाराज ने कहा नहीं 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 ये नहीं है। सब लोग बड़ा होशियार बन रहा था, जब कोई ने हाथ उठाया तब ये क्या जरूरत थी खड़े होने की, क्या हाथ उठाने की जरूरत थी, तो क्या किया आपने, हंसे, पर इसमें क्या था, उपहास है ना, ये क्यों हुआ। और एक तुम्हारे बच्चे ने हाथ उठाया, आज हम बताएं, अब तुम देख रहे हो, बताओ किसने उठाया, अरे बच्चे हमारे बच्चा है, इस बात है क्या, अच्छा अच्छा बताया, वो तो सही निकल गया, ठीक है बेटा हमारा बेटा है, खुशी हो गई। अब उपहास नहीं, तो क्या हुआ, अब हंसी दोनों हैं, पर एक में उपहास था एक में खुशी थी है ना। तो जहां जहां उपहास वाली हंसी अगर हंस रहे हो तो वहां कर्म चपट जाते हैं। अब आप तो लोग, आपको क्या लग रहा है कि हमें किसी ने देखा ही नहीं कि मुझे क्यों हंसी आ रही है, या मन में आप क्या सोच रहे हो, पर कर्मों को सब पता चल रहा है, कर्म तुरंत चपट जाते हैं। और वह कर्म क्या होता है, धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं दिन भर में। मान लो सुबह जब सो के उठते हैं आप, तब से लेकर शाम तक कर्म सीधे सीधे आते जा रहे हैं। कैसे आते हैं, जैसे पहले अगर आपने पोस्ट ऑफिस देखा हो तो पोस्ट ऑफिस के या जगह जगह चौराहों पर लाल लाल डब्बे खड़े रहते थे, अभी भी रहते होंगे शायद है ना, अब नहीं रहते, हाँ पोस्ट ऑफिस तो रहते ही रहता है। तो वहां पर अगर आपको कोई लेटर कहीं भेजना है ना, तो क्या करके आओ, उस लाल डब्बे में डाल दो है ना। अब वो पोस्ट ऑफिस का कोई कर्मचारी आएगा, ताला खोलेगा, जितनी चिट्ठियां होंगी सब निकाल करके ऑफिस में ले जाएगा है ना। अब जितने कर्म थे दिन भर के वो उसमें आ गए, ठीक है ना, अब वो आ गए, अब वो कहां चले गए, पोस्ट ऑफिस में। अब पोस्ट ऑफिस में छटनी होगी, छटनी होगी,
कि भाई कौन सा लेटर बॉम्बे का है, कौन सा दिल्ली का है, कौन सा ग्वालियर का है, कौन सा कहाँ का है, छटनी होगी, अलग अलग इकट्ठे किए जाएंगे, है ना। ऐसे ही आपने दिन भर में जो कर्म किए हैं उनकी छटनी होगी। ज्ञाना बढ़ने के कौन से कर्म किए आपने, दसना बढ़ने के कौन से किए, वेदनी के कौन से किए, मोहिनी के कौन से किए, क्या क्या कौन से कर्म किए, छटनी होगी और वो उसके जिस जिस रूप में है उसमें डाल दी जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, छटनी हो गई। अब वो पता नहीं चल रहा क्योंकि अभी तो थोड़े थोड़े से ही हैं, अभी क्या है थोड़े थोड़े हैं। किसी को अगर आपको किसी दुकान से किराया लो, को उधारी में कोई सामान लो, मान लो आप सिगरेट पीते हो और किसी पान की दुकान पे आपने कहा यार एक सिगरेट दे दे पैसे बांध दूंगा, ले जाओ, कितने की एक सिगरेट, 2 रुपए की, 3 रुपए की, एक कितने की आती है, अरे कोई पीता नहीं होगा मतलब पता तो एक तो एक सिगरेट एक डिब्बी नहीं एक सिगरेट। अब एक सिगरेट ले ली, पी ली, अब पी ली तो क्या हुआ, और कहा चलो दुकानदार क्या सोचता है कि यार अभी तो एक सिगरेट ही तो ली है, सब कोई दिक्कत नहीं, उधारी में दे दिया। वो आपको कब तक टोकेगा, जब तक आपका बैलेंस 1000-2000 रुपया ना हो जाए तब तक वो टोकेगा नहीं, है ना। अगर आपने 5 रुपए की एक सिगरेट पी और महीने तक गई नहीं उसके पास, तो 5 रुपया मांगने में सोचेगा क्या 5 रुपए की तकादा दें, है ना, आ जाएंगे तो ये सोचेगा। ऐसे ही जो आपके जिस खाते में कर्म कम है वो कर्म आराम से सुप्त अवस्था में सो जाते हैं, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। पर कोई कर्म आप लगातार कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो दुकानदार भी देखता है ये बहुत उधारी हो गई, तो क्या करेगा, तगादा भेज देगा, फोन कर देगा, भाई साहब वो आपका बहुत बैलेंस हो गया और आप जमा कर दें, है ना। तो ऐसे ही कर्म क्या करेगा, जब देखे ज्यादा कर्म हो गए तो वो धीरे से क्या करेगा, अपना संकेत देना चालू कर देगा। और वो क्या होगा, वो संकेत, अब वहां पर कोई कोर्ट कचहरी तो है नहीं, कोर्ट कचहरी तो है नहीं कि वहां पे अपन कहते जरूर हैं हिंदू समाज के अनुसार से कि पहले व्यक्ति कर्म करेगा फिर मरेगा, फिर मरने के बाद चित्रगुप्त जी के पास जाएगा, चित्रगुप्त जी उसका हिसाब किताब निकालेंगे किसने कर्म किए कितने पुण्य किए, फिर उसको वहां उस हिसाब से नरक निगोद या जहां कहां भेजना है वहां भेजा जाएगा। ये बिल्कुल भी अपने जैन दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है, ये काल्पनिक है, क्योंकि वहां कौन है, किसको इतना टाइम है, वहां कोई स्टाफ नहीं है जो आपकी व्यवस्था को देखेगा। कर्म सिद्धांत है ना, अपने आप चलता है, जिस समय आप यहाँ कोई कर्म करते हो वो उसी समय बन जाता है और उसी समय आपकी सब स्थिति बनती रहती है, और जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसी वैसी आपकी गति गति की फिक्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। अगर आपको अधिक, जब अपन छठवां अध्याय जरूर पढ़ा करो तत्वा सूत्र का, और उसको जरूर पढ़ना जब कभी मौका मिले तो छठवां अध्याय जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें पूरा कर्म सिद्धांत दिया है, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन में ये वाली परेशानी आ रही है तो इसका मतलब है कि इसका कारण क्या रहा, इसका मतलब हमने यहाँ पर गलतियां की, ये वाली परेशानी आ रही है तो इसका मतलब हमने ये वाले काम किए ना। अगर ये वाली गलती, अगर परेशानी दिमाग में आ रही है ना, तो ये वाली परेशानी की है, उसे सारा का सारा ब्यौरा दिया गया छठवें अध्याय में, कि आपको किसी ज्योतिष से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी महाराज के पास पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा कर्म मुझे परेशान कर रहा है। और एक पुस्तक और है आचार्य कुंथु सागर जी महाराज ने लिखी है, ये वाले कुंथु सागर नहीं जो वर्तमान में वो समाधि हो चुकी है उनकी, उन कुंथु सागर ने लिखी है भाव त्रय फल प्रदर्शी नामक पुस्तक है, उस पुस्तक में सारी चीजें दी गई ना, कर्म ही कर्म दिए गए पूरे कि किस कर्म के उदय से क्या होता है, उसमें एक एक चीज खोल दी गई। अगर किसी की चाकू से भी मृत्यु मतलब उसको मर्डर किया गया है तो ये भी अपन को लगता है कि फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति को मार दिया, पर ये कर्म उसका पहले से लिखा हुआ था कि फलाना व्यक्ति उसको चाकू से मारेगा, और क्यों मारेगा ये भी लिखा है कि आपने ऐसा काम किया तो ऐसे मृत्यु होगी, आपने ऐसा काम किया तो ऐसे मृत्यु होगी, आपने ऐसा किया है तो आप जल में डूब जाओगे, आपने ऐसा किया है तो अग्नि में जल जाओगे, आपने ऐसा किया है तो ऐसा किया है तो ऐसा होगा, सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। भाव त्रय फल प्रदर्शी नाम की पुस्तक है ना, मौका पड़े तो उसको पढ़ना। तो कहने का अर्थ है अब वहां पर ऐसी कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, और कर्म हमसे बड़े सुंदर तरीके से हो जाते हैं, सुंदर तरीके से हो जाते हैं,
बहुत सुंदर तरीके से इतने जो माया कहते हैं माया, तो हमारे पास मायाचारी ऐसा गुण है श्रृंगार की तरह है, पता नहीं चलता है और बड़े आराम से हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है और अपन सोचते देखो किसी को पता नहीं चला पर वो कर्म को पता चल जाता है। तो क्या मैं क्या कह रहा था कि कर्म इकट्ठे हो गए धीरे धीरे, अब वो कहाँ चले गए इनबॉक्स में, जितने भी मैसेज आते हैं ना अपना मैसेज मोबाइल में मैसेज आते हैं, कोई भी भेजे कंपनी भेजे तो कोई व्यक्ति भेजे तो वो मैसेज कहाँ चले जाते हैं इनबॉक्स में, है ना। आप इनबॉक्स में देख कभी भी खोलो तो दिख जाएंगे तो ये वाले मैसेज हैं, है ना। ऐसे ही सारे के सारे मैसेज जो आप गलत सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, है ना, अच्छा कर रहे हो गलत कर रहे हो, सारे के सारे मैसेज एक एक करके उसे अपन यहाँ मोबाइल में इनबॉक्स बोलते हैं और सिद्धांत की अपेक्षा से उसे सत्ता बोलते हैं। कहाँ चले गए सत्ता में। तो अपन कहते हैं जब अध्यात्म ग्रंथ अपन पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें कैसा आता है कि तेरी सत्ता में कर्म थे, तेरी सत्ता में कर्म थे बोधय में आ गया, वो तेरे को परेशान कर रहा है ना, तेरा सत्ता में ऐसा था इसलिए ऐसा हो रहा है, तेरी सत्ता में ऐसा था ऐसा हो रहा है, यानी सत्ता मीन्स इनबॉक्स, ठीक है ना। अब उस इनबॉक्स में कर्म है, वो कर्म किसने किए हैं, किसने किए हैं, हम ही लोगों ने किए हैं, कर्म कोई दूसरा नहीं करता है। कर्म अंतर से इतना है कि हम लोग इतने मतलबी हैं, स्वार्थी हैं कि कर्म तो करते हैं खुद, फिर जब वो उदय में आते हैं और वो हमको परेशान करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके उदय में आने पर हम दोष देते हैं दूसरे को। और उसको कहा भी गया है 12 भावना में कि अपनी करनी और करे सिर औरन के धरता, कहते ना करनी तो खुद करता है पर जब उदय में आते तो क्या कहता है, हे भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था इसका, इसने ऐसा कर दिया, है ना, इसने ऐसा कर दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था, ये व्यक्ति हमारे पैसे खा गया, ये व्यक्ति दुकानदार, सारी चीजें नियोजित हैं कि आपने किसी का पैसा लिया, आपने उसका पैसा वापस नहीं किया, वो व्यक्ति हो सकता है अगले भाव में आपका ग्राहक बन के आएगा, आपकी दुकान से माल ले जाएगा और आपका पैसा खा जाएगा, आपको क्या लग रहा है कि वो पैसा खा गया पर उसने कहा कि हमने अपना हिसाब किताब छुट्टा कर लिया, अब आप उसके पीछे उठ के उल्टे सीधे बोल रहे हो सोच रहे हो, है ना, और वो क्या हुआ हिसाब किताब पहले का छुट्टा हो गया। तो कर्म नियोजित है पहले से, इसीलिए आप किसी का पैसा खा नहीं सकते, अभी खा गए हो तो लग रहा है खुश हो रहे हो पर ये बैलेंस बना के रखना कि ये पैसा तुम्हें इस भाव में नहीं तो अगले भाव में देना पड़ेगा, है ना। और जब हो सकता है कि तुम अगले भाव में यदि जानवर बन गए तो कैसे दोगे, तो कोई बात नहीं वो कर्म तुम्हारा मनुष्य बनने तक का इंतजार करेगा। अब तुम मान लो 50 भाव 100 भाव बाद भी अगर तुम मनुष्य बन गए तो तब तुम्हें वो पैसा देना पड़ेगा और वो ले लेगा तुमसे कैसे ना कैसे, या छुड़ा ले, हो सकता है वो चोर बन जाए, हो सकता है वो डाकू बन जाए, अब वो क्या करेगा तुम्हारे पैसे छुड़ा लेगा, आपको लग रहा किसी मुझे ठग लिया और वो आपका पैसा वहां चला गया, पहुंच गया वहां तक। तो किसी की सोने की चेन खिंच जाना, किसी की चोरी हो जाना, किसी की डकैती हो जाना, ये सब कुछ जो है लिखा हुआ है, ये कोई नया नहीं, हर किसी की यहां चोरी नहीं होगी, हर किसी महिला की चेन नहीं खींची जाएगी, 50 महिला जा रही हैं, एक ही चेन खिंच जाती है, 49 सकते थे, हम अभी आए थे, हम तो जस्ट 2 मिनट पहले निकले थे वहां से, है ना, देखो चले हम तो जल्दी बच गए, है ना, बच गए क्या, वो तो उसकी तवाई खिंचनी नहीं थी, वो खिंचनी उसकी थी, है ना। तो सब कुछ नियोजित है, कोई चीज नई नहीं है ना, इसलिए ये आचार्य बोल रहे हैं कि हर चीज के लिए जिम्मेदार आप खुद हैं, दूसरा नहीं है। आपके द्वारा किया हुआ कर्म जो था वो उदय में आ रहा है, तो सत्ता में है सब कुछ, अंतर से इतना है कि सारे कर्म सत्ता में हैं, पर वो क्या है एक एक करके उदय में आते आराम से, है ना, बाकी सब सुप्त पड़े रहते सोते रहते आराम से, जब चीज नींद खुल गई वो एक कर्म आ जाता है, कोई बीमारी बन के आ जाए, कभी कुछ बन के आ जाए। अब यहाँ पर आचरण बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा है ना, तो कर्म इकट्ठे होते जा रहे हैं, उठते जा रहे, कहाँ जा रहे हैं सत्ता, समझ रहे ना, सत्ता यानी इनबॉक्स उसमें जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, वहां पर कोई कोर्ट कचहरी तो है नहीं, और यहाँ कोई अपराध कर दो तो क्या होता है, जैसे यहाँ की हर धारा लगी हुई है, धारा से पता चल जाता है कि भैया 307 धारा लगा दी, 301 लगा दी, फलाना लगा 302 लगा दी, तो उससे पता चल जाता है कि भैया मर्डर केस था इसलिए 302 लगा दी,
कितने से फलानी थी तो ये वाली धारा लगा दी, तो केस धारा से पता चल जाता है कि इनकी कौन सी धारा लगी, क्या अपराध हो गया होगा, है ना। ऐसे ही सारी पूरे धाराएं, पूरा का पूरा सिद्धांत अपने कर्मों का भी है, कौन सा काम किया है आपने उसकी वैसी धारा लगा देते हैं। आपको ज्यादा शौक है बहुत पैसा इकट्ठा करने का, सोना इकट्ठे करने का, साड़ियां इकट्ठे करने का, बहु आरंभ परिग्रह, खूब झाड़ू लगाने का शौक है, खूब कपड़े धोने का शौक है, खूब बाथरूम लेट है ना किचन धोने का शौक है, बगरा जा रहे हो पानी, बगरा जा रहे हो पानी, खूब बगरा जा रहे हो, गैस जल रहा है खाली जल रहा है, रोटी कोई सिकंदा रोटी सिकंदा कुछ फिर भी खाली जल रहा है गैस, खाली नल छोड़ दिया, मंजन कर रहे हैं पानी बगर रहा है, जब तक मंजन चल रहा है पानी बगर रहा है, सब कुछ चल रहा है, बगरा जा रहे हो है ना, जेट पंप चालू किया पानी जबरदस्ती, अब नाली में पानी बह रहा है उसी में उसी को पानी डाल दिया, क्या कर रहे हो भाई, पानी बगाने जा रहे हो, अनर्थ दंड, ध्यान से क्या बोलता है, अनर्थ दंड व्रत कर रहे हो ना, पर वो अनर्थ दंड व्रत उसका नाम है, पर कर्म तो बन रहा है, और कर्म बन रहा है तो क्या वो भी कर्म बंद करके कहां चला गया, सत्ता में चला गया, सारे कर्म कितने जीवों की हिंसा हो रही है, कितने जीव आप हिंसा कर रहे हो, वैसा कर्म तो कहा बहु आरंभ परिग्रह नारक्या ईसा, बोले कि अधिक आरंभ अधिक परिग्रह रखने से नरक गति का सजा के रूप में नरक गति मिलती है, है ना, मनुष्य गति किसे मिलती है, अल्प आरंभ ऐसे लोग जिन्हें कम इतना ही यूज करते हैं चीजें जितनी की जरूरत है, रोटी बनाना है तो देख लें कितनी रोटी खाने वाले हैं, अब एक व्यक्ति इतनी रोटी बना रहा है, चाहिए रोटी तो चाहिए 20, चार लोग हैं पांचों को 20 काम चल जाएगा, है ना, मगर सामने वाले ने क्या किया, आराम से बना 30-40 और दूसरे दिन कह रहे बाबा ले ले जाओ, एक दो कुत्ता को डाल लिया, एक दो गैया को डाल लिया, बांट रहे हो, मतलब लुटा रहे हो, है ना, लुटा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कीमत नहीं है, जितना हिसाब किताब उतनी चाहिए उतनी बनाओ, फालतू क्यों बेचैन करो, है ना, तो अगर ऐसा आप सोचते हो जितना चाहिए उतनी कर रहे हो, फेंक रहे हो सामान, फेंक रहा है ना, लाके सस्ता सामान हो चाहे महंगा सामान हो, पति पति देखता है उसकी आत्मा हिल जाती है, मैं कैसे पैसे कमा रहा हूँ, ये तो फेंक दिया उन्होंने, है ना, सुबह इतनी कड़ी फेंक दी, इतने चावल फेंक दिए, इतना सब्जियां फेंक दी, गैया दिख डली है, अब वो पति निकलता है अब से करने के लिए, वो बाहर डली है, वो सब देखता है, ओहो जी तो इतना बना था, उसका मन खराब होता है, मूड खराब होता है, है ना, तो उसका मूड तो खराब होता है, चलो ठीक है, मगर आचार्यों ने कहा कि आपको भी कर्म का बंद हो गया, और आप लिमिटेड बना रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आरंभ भी कम कर रहे हो, परिग्रह भी उतना ही है जितना चाहिए है, संतुष्टि है तो मनुष्य पर्याय, तो मनुष्य पर्याय मिलेगी, है ना, सम्यक आपको नियम का लेने की इच्छा हो रही है कि मैं नियम लूं, प्रतिमा धारण करूं, संयम को धारण करूं, है ना, आराम से जिंदगी को ऐसे बसर करूंगे, भैया मौका मिला है, दिस इज द चांस, कवन कब क्या हो जाए भरोसा नहीं है, अगर ऐसे भाव हैं तो स्वर्गति, जहां जहां आपको नियम धर्म की तरफ आपका मन जा रहा है, कदम बढ़ रहे हैं, तो नियम से क्या होगा, स्वर्गति हो गई, है ना, मायाचारी कर रहे हो, है ना, कि पति को ही पता ना चले क्या कर रहे हैं हम, बच्चों को ही पता ना चले क्या कर रहे हैं हम, है ना, छुपा रहे हो और मायाचारी कर रहे हो, धर्म के क्षेत्र में मायाचारी कर रहे हो, तो आचरण का त्रियंश गति, है ना, जितने भी रस्ते में जानवर मिले, गैया मिले, भैंसिया मिले, और भी जो भी जानवर हैं, घोड़ा हाथी सब, पक्षी जब भी कोई पक्षी दिखें, चिड़िया दिखें, चींटी दिखें, समझ जाना सब हमारी बहनें हैं, मतलब बहने का मतलब, क्योंकि ये भी कभी हम लोग जैसी स्त्रियां थी और इन्होंने क्या किया, खूब मायाचारी की थी, तो आज देखो इस पर्याय में घूम रही हैं, है ना, अगर हमने भी अगर अपनी आदतों पे अंतर नहीं डाला तो कल के दिन ऐसे इनके साथ हम भी घूमेंगे, है ना, तो वो कोई अलग नहीं है, सारा कर्म लिखा हुआ है, सारा संविधान जो है कर्म संविधान बना हुआ है, अब यहाँ आचरण बोल रहे हैं आगे चलो, और अब यहाँ तो कोर्ट कचहरी सजा दे दी गई, तुमने ये अपराध किया है 7 साल की जेल, 5 साल की जेल, उम्र कैद, फलाना ठिकाना, तरह तरह की सजाएं। अब कर्म क्या करता है, कर्म के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना वह पुलिस है, ना वह मिलिट्री है, ना वह कोई जेल है, ना वह कोई कारागृह है ना, सजा कैसे देंगे तुमको,
है ना, तो वहां जेल मेल नहीं होती किसी को, वहां तो हमेशा बेल है, कोई जेल नहीं है। तो वहां पे क्या करते हैं, फिर तुम्हें कर्मों की सजा कैसे मिलेगी, तो उन्होंने क्या किया है, बहुत सुंदर तरीके से सजा देने का तरीका उनका अलग है। कैसा है सजा देने का तरीका, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, सजा दिलवाएंगे तुम्हें तुम्ही के लोगों से, है ना। उन्होंने क्या किया, बैरी को देखा कि जिसका तुमने बहुत दुश्मनी थी उसको तुम्हारा बेटा बना दिया, बेटी बना दिया, बीवी बना दी, पति बना दिया, माँ बना दी, पिता बना दिए, कुछ भी बना दिया, और बना करके एक ही घर में भेज दिया। अब एक ही घर में भेज दिया, अब क्या करेगा, पता चला कि उस बेटे ने खून के आंसू रुला दिए, पिताजी को सुनते ही नहीं है, मरने मारने को तैयार है। अभी एक जगह पे क्या हुआ, एक माँ जो माँ के पास पिताजी छोड़ के चले गए थे 100 एकड़ की जमीन, तो बेटा बार बार माँ से कह रहा था कि ये सब जमीन बेच बाच के अपन पैसा लाओ, ऐसा करेंगे, और माँ उसको नहीं कर रही थी। तो उस बेटे ने क्या किया, उस माँ को, जब वो माँ टॉयलेट में गई सोच करने के लिए, तो उसको बाहर से बंद करके ताला डाल दिया, और बाहर से पूरा मकान बंद करके घर चला गया, बाहर चला गया, और कितने जना 8 महीने तक वो महिला माँ जो थी वो उसमें टॉयलेट में बंद रही 8 महीने तक, और 8 महीने में टॉयलेट में बंद रही वो, तो अचानक काम कैसे क्या हुआ होगा पता चला, तो वो कमरा खोले गए तो वो वापस निकली, तो जो महिला 60-70 किलो केजी की थी वो मात्र 18 किलो की बची, 18 किलो मात्र, 18 किलो कितना सा वजन होता है ना एक महिला का, वो तो फिर भी उम्र थी तो बच गई, है ना। पर किसने किया, बेटे ने। अब बेटा तो बेटा होता है, जिस समय बेटा पैदा होता है तो पर कितना उत्सव मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं, है ना, कि चलो भाई उत्सव मनाओ, महोत्सव मनाओ, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, कहते नहीं करते हो। और वो बेटे ने क्या किया, उस माँ को 8 महीने के लिए लेट बाथ में बंद कर दिया और बाहर से पैक कर दिया। एक बेटे ने क्या किया, एक बेटे ने अपने पिताजी को, अपने पिताजी को ना उनसे चिढ़ गया, और चिढ़ गया तो उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी को कमरे में बंद करके, जो छोटा कमरा था ना उसमें बंद कर दिया, और उसमें 25-50 चूहे बड़े बड़े वो छोड़ दिए, और बंद करके और विदेश चला गया। और चूहों ने क्या किया, उस व्यक्ति को काट काट के, काट काट के उसको मार दिया। किसने किया, जिसको 9 महीने माँ ने पेट में रखा था उसने कर दिया, है ना। क्या है, अब ये किसने करवाया, कर्म ने। अब ऐसा नहीं कह सकते बेटे ने किया, ना ये उस बेटे के साथ उसका पिछला जो हिसाब किताब था वो उसे चुकता कर दिया। तो कर्म ने क्या किया, सेटिंग कर दिया इसी के, चलो है ना, बेटे को निमित्त बना दिया, बेटा बना दिया उसका, उससे उसका अपना काम करवा दिया। ऐसे अभी 3-4 दिन पहले घटना सुनी थी आपने कि एक छोटी लड़की 12-13 साल की लड़की ने अपने पिताजी को अपने मित्र के साथ मिलकर के पहले तलवार से चाकू से उसको काट दिया, उसके बाद उसको जला दिया, है ना। बताओ किसने, बेटी ने। अब बेटी आई कि नहीं आई, अब बताओ बेटी जिसको लोग कहते हैं कि ये लक्ष्मी है, बेटी कहते हैं ये है, अब वो बेटी ने क्या किया, वही उसका मौत का कारण बन गई। अब बताओ उसने कभी सोचा था क्या, लोग शत्रुओं से बच के रहते हैं कि कोई शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ ना दे, पड़ोसी कोई हमारे रस्ते में कोई हमें छेड़ ना दे, रस्ते में हमें कोई मार ना दे। पर कर्म ने क्या किया, तू कितने सेव कर ले, ताला डाल दे, खिड़की लगा ले, दरवाजा बंद कर ले, पर मैंने तेरी मौत का सामान तेरे साथ ही भेज दिया है, है ना, करवा दी मौत। तो आचरण बोलने की कर्म क्या करता है कि इसी तरह घरों में शेटिंग कर देता है। कभी देखते हैं कभी पत्नी को पति ने मार दिया, है ना, कभी पत्नी ने पति को मार दिया। अभी एक पति पत्नी की घटना आई थी कि एक पत्नी ने अपने पति से बहुत रुष्ट होकर के और उसके 150 पीस कर दिए, हाँ, और 150 पीस कर दिए पति के, और उसको फ्रिज में रख करके रोज एक दो दो टुकड़े खा जाते थे, हाँ। पत्नी ने ऐसा कर दिया, पति की तो सुनते ही अपन कि पत्नी ने पत्नी को मार दिया, पर पत्नी ने पति को मार दिया, है ना। कभी बाप बेटे को मार देता, कभी बेटा बाप को मार देता है, है ना। कितनी घटना, अभी 2-3 साल पहले की घटना है अपने यहीं की, जे सुनी अपन ने कि बेटी ने पिताजी को मार दिया, जैसे तुमने सुनी है। अभी 1-2 साल पहले आगरा की घटना है कि एक कोई पुलिस अधिकारी था, है ना, उसने अपनी बेटी को जला दिया था,
जन्नत जला दिया था, है ना। तो सारे रिश्ते, कौन सा ऐसा रिश्ता है? तो ये सारे रिश्ते जो हैं वो कैसे हैं? सारे के सारे रिश्ते नहीं है, इनमें आठ कर्मों के दर्शन कर लिया करो। इन लोगों में आठ कर्म के दर्शन कर लिया करो और प्रतिदिन फैमिली को देख करके ये सोच लिया करो कि ना मालूम इन्हीं में से कौन सा कर्म मेरा विरोधी बन के आया है। कभी कोई बेटा रुष्ट है, कुछ ऐसा है, उससे ज्यादा बहसबाजी करो ही मत। समझ जाओ कि ये शत्रु के रूप में आया है, उसे बच के रहो। बहू आ सकती है, बेटी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, है ना। तो कर्म जो है, आठ कर्म घूम फिर करके आपके ही घरों में उत्पन्न हो जाते हैं और वो कभी कभी इतने उल्टे सीधे काम करते हैं कि आप ना तो बताने के रहते हो, ना सहन करने के रहते हो, घुट घुट के मरने का ही मन करता है। ये आठ कर्म, तो इसलिए ऐसे आठ कर्मों को, समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये आठ कर्म जो हमें क्या करते हैं, ऊपर ही पहुंचा देते हैं ना, ऊंचाइयों पर। कैसे पहुंचाते हैं? कि इनसे बचने का तरीका है कि संतोष व्रत को धारण करो, है ना। क्या करो? संतोष व्रत को धारण करो। दुनिया की सारी चीजें ये सोच करके ग्रहण करो कि जितनी, क्योंकि इनसे हमारा मोक्ष नहीं है, ये संसार की चीजें हमें रुलाने वाली हैं, पैसा भी हमें ना मृत्यु तक पहुंचा सकता है, ये पैसा हमारे लिए क्या कर सकता है, कोई काम का नहीं है, ये सोच के चलो। तो पैसे से ज्यादा मोह मत करो, ज्यादा किसी से मकान से राग मत करो, क्या दिक्कत है? जो किस्मत में लिखा है मकान, कोठी लिखी है तो कोठी मिलेगी अपने आप, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। पैसा लिखा है किस्मत में तो अपने आप कहां से पैसा आएगा, ज्यादा जोर मत लगाओ, सबको अपने आप मिलेगा। हर चीज तुम्हारे कदम चूमती जाएगी जो तुम्हारी किस्मत में, इसलिए अपन ज्यादा उहापोह मत करो। इसलिए मन को, वचन को और काय को बस में रखो, इनके बस में अपन को नहीं होना है। मन के बस में अपन ना हो, मन को अपने बस में रखो, है ना। इनकी जो लगाम है, मन की, वचन की, काय की, इनको अपने हाथ में रखो। जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे, तुम जैसा चाहोगे हम नहीं करेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं? इन कर्मों से बच सकते हैं, है ना। अब जो पिछले के कर्म हैं उसको तो अपन कुछ कर नहीं सकते, पर उनके कर्मों की बचने के लिए जो अपन त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। अब एक बात बताऊं, दूसरी और बताऊं। सूखी नदी पड़ी है और सूखी नदी पड़ी है और जब उस नदी में बरसात का पानी आता है तो अपन देखते हैं नदी, उस सूखी नदी में कहीं गड्ढा है, कहीं ज्यादा गहरा गड्ढा है, तो अपन देखें जब पानी आएगा तो पानी सीधा बहेगा कि पहले गड्ढे में जाएगा? बताओ, गड्ढे में जाएगा। और गड्ढे में जाएगा तो गड्ढे में जाके बाद जब गड्ढा जब तक भर नहीं जाएगा तब तक पानी आगे नहीं जाएगा, पता नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे कर्मों के गड्ढे बने हुए हैं, कर्मों के गड्ढे बने हुए हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत धर्म करते भी हो, कभी कहते ना अपन इतना धर्म कर रहे हैं, इतना ऐसा कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, फिर भी परेशानी कम नहीं हो रही है, तो आचरण बोल रहे हैं कि गड्ढा भर रहा है। क्या हो रहा है? गड्ढा भर रहा है। तुम जी मत सोचो कुछ नहीं हो रहा है, पर ये है कि गड्ढा बड़ा है। क्या है? गड्ढा बड़ा है। अब वो जब गड्ढा आप कर रहे हो, जो दान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो गड्ढा ऐसा नहीं खाली हो रहा है, भर रहा है। पर इसका मतलब कि ज्यादा बड़ा गड्ढा बड़ा है, इसलिए और ज्यादा करो तो इसे गड्ढा भर जाएगा, तो अपने आप क्या होगा, तुम्हारे कर्म बाहर निकल आएंगे और बह जाएंगे, है ना। ये है तो कर्म क्या कर रहा है, पूरा का पूरा आपका सारा का खेल कर्मों का है। इसलिए हमें उन कर्मों से, उनकी नॉलेज भी होना चाहिए और उन कर्मों से बचने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि कोई कर्म ऐसा बंद ना जाए। ना हंसी मजाक करो ऐसे ही, ना किसी प्रकार की हंसी ठिठोली करो। तो कितने कर्म है, अंजना का जो 22 साल का कर्म बंधा, वो हल्की सी हंसी ठिठोली में बंध गया, हल्की सी हंसी ठिठोली में, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें हंसी ठिठोली से बचना चाहिए, है ना। मनोरंजन, मनोरंजन में भी कर्म बंध जाते हैं, है ना। इसलिए हमें हर तरह से इतना बच के चलो, कोई भी कार्य करो तो जितना आटे में नमक डालते हैं इतना करो जिसकी हम निजड़ा कर सकते हैं।
जिसकी हम रचना जल्दी कर सकते हैं। इसलिए आठ कर्म की संरचना इस प्रकार से है। हम सब लोग इस पर चिंतन करें, मनन करें, जिससे कि इन कर्मों से बच सकें। और ये कर्म बहुत ईमानदार हैं, पैसे बेवजह परेशान नहीं करते, और परेशान कर रहे हैं तो वजह है, और वजह है हम खुद। इसलिए जब हम ही ने बांधे हैं तो हम ही उसको क्या करेंगे, खत्म भी करेंगे, काटेंगे भी, है ना। पर धर्म के साथ गुरु का हाथ पकड़ लो। अच्छा, गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं अपन तो क्या होता है ना, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, बस। तो क्या है, उंगली पकड़ो। और जब उंगली पकड़ते हो तो ये क्या करते हैं, तुम्हें उस कर्मों से, तो कर्म तो आएंगे पर ये तूफानों में भी तुम्हें निकाल करके सुरक्षित खड़ा कर देंगे। भाई धर्म है ऐसे बड़ी उत्तम क्षमा धर्म की। प्रश्न पूछना, चलिए। आठ कर्म कौन कौन से हैं?